सपा विधायक मनोज पांडे अयोध्या पहुंचे। मनोज पांडे ने रामलला का लिया आशीर्वाद। परिवार के साथ रामलला का किया दर्शन पूजन। ये अकल्पनीय है, मेरे लिए सौभाग्य का विषय। देश प्रभु राम से है, राम सभी की आत्मा। मैंने रामलला के दर्शन की मांग उठाई थी। अधिकांश सपा विधायक अयोध्या जाना चाहते थे। हमें प्राप्त हुआ है और मैं ही वो पहला व्यक्ति था जिसने दली बैठक में भी ये मांग की थी कि प्रदेश के सभी विधायकों को दर्शन का दर्शन कराया जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य था उस समय कि मन महसूस करके हम सबको रुक जाना पड़ा। हमारे दल के नेता का ये निर्देश था कि अयोध्या दर्शन करने कोई विधायक नहीं जाएगा, जबकि अधिकांश विधायक वो दर्शन करना चाहते थे। जिस दल में या कहीं पर भी जहां भगवान राम के दर्शन के लिए रोका जाए, भारत के अंदर रोका जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई और चीज नहीं हो सकती। आपके साथ कौन कौन लोग हैं? कई विधायक भी हैं और हमारा परिवार है, हमारे साथी हैं। आज आज सुबह योगी जी से आपकी मुलाकात हुई? क्या मुलाकात हुई, कैसे? नहीं, सामान्य मुलाकात है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं विधायक हूँ और अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए अपनी जो देव रूपी जनता है, जिसके कारण से लगातार जनता ने विधायक बनाने का काम किया, तो ऊंचाहार की जनता के विकास के लिए, ऊंचाहार की गलियों को, ऊंचाहार के गांवों को सजाने के लिए, हर व्यक्ति तक जहां विकास नहीं पहुंचा है वहां विकास पहुंचाने के लिए, तो सरकार से और सरकार के मुख्यमंत्री से मिलना ही पड़ेगा। कौन से विधायक हैं आप? किस पार्टी से अपने को मान रहे हैं, सपा से या भाजपा से? नहीं, ये समाजवादी पार्टी से मैं आज भी सिटिंग एमएलए हूँ। कौन कौन विधायक हैं आपके साथ? आशुतोष जी हैं साथ में, फिर मैं लौट करके आता हूँ। मैं अभिभूत हूँ, मेरे लिए अकल्पनीय है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज भगवान प्रभु राम का दर्शन का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और मेरा मानना है कि भारत में रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले हर सनातनी और हिंदू के लिए इससे सौभाग्य का कोई क्षण नहीं हो सकता। और मेरा मानना है कि ये देश भगवान प्रभु राम से है। प्रभु राम हम सब की आत्मा है। अगर किसी